नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के द्वारा एक बिचौलिए के घर में सरकारी काम किया जा रहा है, जो घोर आपत्तिजनक था, जिसका वीडियो क्लिप भी सामने आया है। राजीव अरुण एक्का को मुख्यमंत्री ने उनके पद से हटाने का काम किया और उनकी पोस्टिंग दूसरे जगह करने का काम किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में स्पष्ट है कि ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट, ट्रांसफर को पनिशमेंट नहीं माना है। ऐसे में सरकार इस मामले को रफा दफा करना चाहती है। सरकार पूरी तरह से इस मामले पर संज्ञान नहीं ले रही है और सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। इस मसले पर मुख्यमंत्री चुप हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इसको लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है और राज्यपाल से आग्रह किया है कि इसकी जांच सीबीआई से हो। इसके लिए राज्य सरकार को राज्यपाल निर्देशित करे और इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जाँच होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मंडल आज महामहिम राज्यपाल के पास झारखंड के भ्रष्टाचार, झारखंड के बिचौलियों के द्वारा चलाई हुई सरकार के संदर्भ में हम लोगों ने एक ज्ञापन देने का काम किया है। हम सब कोई जानते हैं कि श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, विधायक दल के नेता, प्रतिपक्ष के नेता ने कल एक वीडियो क्लिप जारी किया था और उस वीडियो क्लिप में स्पष्ट रूप से है कि मुख्यमंत्री के तत्काल जो पीएस जो कहा जाता है राजीव अरुण एक्का ने एक ऐसे बिचौलियों के घर में बैठकर के सरकारी कार्य का और सरकारी फाइल का निष्पादन किया था, जो घोर आपत्तिजनक था। और हम कह सकते हैं ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के धारा 700 से लेकर के 7 से 13 तक का उल्लंघन है। ये हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का 3 का भी उल्लंघन है। इसलिए हम सब लोग फरियाद करने के लिए आए कि वो राजीव अरुण एक्का जिस बिचौलिए के यहाँ बैठ कर के गलत काम करवा रहा था और पैसे असूल रहा था, वो किसके इशारे पर इस प्रकार के काम को कर रहा था। राजीव अरुण एक्का को सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री के जो पद था उनके पीएस का, उसको हटाने का काम किया और उनकी पोस्टिंग दूसरे जगह करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है और ये उल्लेख है कि ट्रांसफ़र इज नॉट पनिशमेंट, ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार इस मामले को रफा दफा करना चाहता है, सरकार पूरी तरह से इस मामले पर संज्ञान नहीं ले रही है और सरकार के द्वारा ये संपोषित भ्रष्टाचार है। सरकार के मुखिया के द्वारा ये इशारे पर ये भ्रष्टाचार की कथा लिखी जा रही है, इसलिए मुख्यमंत्री जी चुप हैं। मुख्यमंत्री जी एक भी शब्द का इस पर बयान देने से बच रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल आज महामहिम राज्यपाल से मिलकर के अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए आई है। 3.5 करोड़ जनता की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और इसलिए महामहिम के पास आकर हम लोगों ने गुहार लगाने का काम किया है कि इस प्रकरण की जांच सीबीआई से हो, राज्य सरकार को निर्देशित करे महामहिम राज्यपाल और पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए।